चल बाबू तू कैसा अरे दिल दहाद किया, चल बाबू तू कैसा दिल दहाद किया, चोरी समझी थी मैं अरे चोरी समझी थी मैं थाने दान क्या पूछना चाहते हैं? अरे हमें हाल दरबार का बादल बता।
अरे तो संजोग मिठा जो अफसोस की बात है और महाराज के खून के इल्जाम में तुम फंसाए गए। मैं फंसाया गया बादल। हाँ हमें विश्वास है कि यह खून तुमने नहीं किया। जानते हो जिस समय हमें चोरी के इल्जाम में महाराज ने आदेश दिया, हाँ संग्राम सिंह, लोहा सिंह हमें बियाबान जंगल में ले गया जरूर, और उसने पहले हमारी पिटाई की, उसके बाद जानते हो उसने क्या कहा? क्या कहा? महामंत्री संग्राम सिंह जरा हमारी तरफ ध्यान से सुनो, मैं कौन हूँ? मैंने कहा कौन हो आप? लोहा सिंह है। उसने कहा नहीं, तुम्हारी आंखों में पर्दे पड़ चुके हैं, हमारा नाम डाकू जागीरा है। जी हाँ, और उसने बदला लेने के लिए ऐसा काम किया और हमें विश्वास है उसी हरामजादे ने हमारे महाराज का खून किया है। अरे तब तो खूनी संग्राम सिंह, अब मुझे विश्वास जी। और जैसे वहां जाओगे तुम्हें वहां के सिपाही गिरफ्तार करेंगे, तुम्हारी फांसी कर देंगे। क्या जानते हो मैं वहां का बहुत पुराना महामंत्री हूँ, हमें सब रास्ते मालूम है, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे और दुश्मनों से हम बदला जरूर लेंगे। सबसे पहले चलो अपना भेष साधु का बनाते हैं, साधु और भजन गाते हुए भिक्षा मांगते हुए रात दरबार पहुंचेंगे, देखते हैं वहाँ का क्या कार्रवाई है, उसके बाद हम मौका पाकर दुश्मन को। मंत्री जी वाह, आपने तो बात मेरे मन की कही। क्यों नहीं, तो देर किस बात की? आइए हमारे साथ, हम लोग अपना रूप साधु बनाते दाता साधु बनते हैं। कुछ जरूरी खास काम के लिए आई। चाचा जी देखो, मेरे पिताजी मरने से पहले जो खुफिए खजाने का नक्शा था वो तुम्हें सौंप कर मर गए, बताओ वो नक्शा कहाँ पर है? बेटी, अगर वो नक्शा हमारे पास होता तो अवश्य मैं तुम्हें दे देता। चाचा जी देखो, पैची तो सुबह सुबह झूठ बोलना पाप, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। और दूसरी बात देखो चाचा जी, खजाने के बारे में बता दो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना अभी तक आपने मेरा प्यार देखा लेकिन मेरा गुस्सा नहीं, समझे? इसलिए प्यार से पूछती हूँ, बताओ वो नक्शा कहाँ है? बस बेटी नैना, तुम ही अपने दिल के अंदर में सोचो, कौन इस अंधे को खुफिया खजाने का नक्शा दे सकता? तो तुम्हारे पास नक्शा नहीं है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम? सच नहीं?
बच्चों दे, खजाना मेरा मेरे बाप का। और सालक काना कहता है मुझे क्या मालूम खजाने के बारे में, तू तो क्या तेरा बाप बताएगा साले। कंचोदे बता खजाने के बारे में बता। मैं नहीं जानता। और खजाने का नक्शा बताना। को टेढ़ी करना पड़ता है। बता दे खजाने के बारे में बता दे। मुझे नहीं मालूम। अभी तेरे हक में अच्छा होगा वरना इसी महल के अंदर तुझे चिंता दीवार में चुनवा दूंगी। बता दे नहीं बताएगा। मैं नहीं जानता। कंचदऊ तुम बताइए। लखन इतने ढीले रहते हो कहीं मेरा हाथ तुम पर ना उठ जाए। क्या काम है बोली? उठाओ हंटर और एक तरफ से तुम लगो दूसरी तरफ से मैं, देखती एक कंचोदा कैसे नहीं बताता। जय ताराम अलाख निरंजन। आओ बाबा तोरो मौत आई है। आओ एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई। एक दिन मटिया में सबही के सिंगार होई। जबकि पिंजड़ा से पंछी फरार के चरणों में राजकुमारी नैना का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, खुश रहो कन्या, खुश रहो। क्या बेटा? अरे ओए घोर अपराध। आशीर्वाद नहीं देना, आशीर्वाद नहीं देना। अरे ठीक है राजकुमारी जी, मैं से आशीर्वाद नहीं दूंगा। कहीं देखा चौदवा तक काना है तो आशीर्वाद लेके क्या करनी। कंचोदऊ तुम्हारा राग ठीक हो जाए तो फिर से फोट आ रहा हूँ। अरे ठहरिए राजकुमारी जी ठहरिए, आप इसे इतना कष्ट क्यों दे रही हैं?
बाबा जी हमें पागल कुत्ते ने काटा है। अरे नहीं, अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ऐसी मार में ते बेचारा मर जाएगा। अरे बाबा मर जा चाह रहा है कंचोदवा हमारे महल का। राजकुमारी जी क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ? पूछिए।